इनको अपनी लाइफ जीने दो, हटो, अपना संघर्ष अपने आप करते हैं ये, आप इंटरफेयर मत करो। भैरव बाबा के मंदिर जा रहे हैं ना, इसलिए भैरव बाबा का ये प्रसाद तैयार किया है। पुराने लग गया ना आपका, गाय बैठी है कचरे के अंदर। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज का व्लॉग मैं देखिए शाम को स्टार्ट कर रही हूँ। ये इतना कल वाली है क्या ये चिड़ी? पता नहीं, दूसरी वाली चिड़ी है ना ये। आज फिर से चिड़ी आई है हमारे घर, ये कल वाली भी हो सकती है, पता नहीं। इसको दूर कर दो ना। अरे मत तंग करो इसको, आपको नहीं कर रहा मैं इसको खाने, इसको ये भाग रहा है, ये डर रही है, ये डर नहीं, इसको कीड़िया खा रही है, कीड़िया खा जाएगी इसको, कुछ नहीं खाएगी। अरे खा जाएगी, खा जाएगी, कीड़िया खा जाती है, कीड़िया सब खा जाती है, इसको छोड़ती नहीं है, कीड़िया खा रही है। चढ़ेगा ना ऊपर, चढ़ा ना, अब सेफ्टी होगी उसकी, अब हटेगा नहीं, आ रही है ऊपर, अब उसकी चढ़ी हुई है काफी, वो खा जाती है उसको, अब थोड़ा हट गया ना किनारे तो सेफ ही हो गया वो, कीड़िया खा रही थी यहाँ, उसको खा जाती थोड़ी देर में। आपको देख के मेरे पास जा ही नहीं रही, मुझे पता है डरते हैं ये। खाना बना दूँ? खाना हालो, पिंजरे निकाल, पिंजरे में कैद करता हूँ। क्यों? उसके अंदर फिर दाना आ रही है, सब डाल दूंगा। पागल हो गया, कुछ मत करो, छोड़ो, इनको अपनी लाइफ जीने दो, हटो, अपना संघर्ष अपने आप करते हैं ये, आप इंटरफेयर मत करो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और आज हमें जाना मार्केट है ना, मार्केट जाएंगे और उसकी मैं तैयारी कर लेती हूँ। हसन जी को सबसे पहले खाना खिला देती हूँ टाइम से, ताकि टाइम से निकल पाएँ, फिर भी 8 तो बच जाएंगे, निकलेंगे तब तक शायद 8:15-8:30 भी हो जाए। तो अब देखिए अंदर आ गई हूँ मैं, अंदर आके अब मैं ना सबसे पहले इसमें से पानी ले रही हूँ, क्योंकि मेरे को ना इस छोटे से बर्तन में देखिए ये गेहूँ जो पड़े हैं ना, इस गेहूँ को उबालना है, तो इसलिए मैंने ना छोटा सा बर्तन ही लिया है, क्योंकि ज़रा सा गेहूँ है, और इसको देखिए इसके अंदर उबाल के फिर हम ये मतलब भैरव बाबा को चढ़ाने के लिए प्रसाद हमारी रेडी हो जाएगी। देखिए इसको मैंने चढ़ा दिया, ये देखिए चढ़ गया हमारा बर्तन। और साइड में मैं बना लेती हूँ रोटी, क्योंकि हस्बैंड जी को भूख लगी है ना शाम को, तो उनको मैं फटाफट खाना बना के खिला देती हूँ, ताकि टाइम से हम चले जाए वहाँ पे। और ये गैस ना गड़गड़ 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 ऐसा कुछ कर रहा था, तो मैंने इसको ना ऐसे 2-3 बार ऐसे घुमा घुमा के फिर मैंने इसको फिर से जलाया है। तो अब मैं खाना बना लेती हूँ। ये थोड़ी सी ना अरबी की सब्ज़ी पड़ी है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी है, तो हस्बैंड जी को ना साथ में थोड़ा सा दही दे दूँगी, और वो हस्बैंड जी ना दही और फिर थोड़ी सी सब्ज़ी हो जाएगी। मैंने तो अपना खाना खा लिया, मुझे मन नहीं है खाने का। और शाम को ना शायद मैंने पूड़ियाँ बनाई थी अपने लिए, हाँ पूड़ियाँ बनाई थी मैंने, इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं है, पर मैंने ना मतलब ना नून मिर्च नमक मिर्च की पूड़ियाँ जो होती है ना वो बना के खाई थी। और भुनेश ने ये अरबी की सब्ज़ी खा ली, और थोड़ी सी हसबैंड जी ने भी ले ली, और बाकी हसबैंड जी ने दही के साथ, और ये थोड़ी सी सब्ज़ी हो गई, ये उन्होंने मैनेज कर लिया, मतलब भुनेश ने और हसबैंड जी ने मैनेज कर लिया। ये देखिए ये आटा ना सुबह ना एक्स्ट्रा गूँध लिया था, तो यही अभी ना काम आ जाएगा। और सुबह मैंने ना जितनी ज़रूरत थी बस उतनी रोटी बनाई, और उसके बाद मैं अब देखिए बाकी की रोटियाँ बना रही हूँ। और ना कुछ एक्स्ट्रा रोटियाँ भी बन गई थी, क्योंकि ना आटा पड़ा था इतना सारा, तो इसको रात को अब रख नहीं सकते हम, इसलिए मैंने ना सारे आटे की रोटियाँ बना दी, तो एक्स्ट्रा रोटियाँ भी बन गई, तो वो भी अब ना बची हुई है, मतलब बच गई थी। तो ये देखिए रोटियाँ बना लेती हूँ, फटाफट खाना खिला देती हूँ, और आगे का वीडियो आप इन्जॉय कीजिए। बेटी क्या हो गया, क्या ढूंढ रहा है? गुड़, शक्कर? शक्कर नहीं, गुड़ दो, गुड़। गुड़ क्या? गुड़ ये रहा, ये है ना गुड़। अरे एक मैंने पॉलिथीन में दो डली छोटी छोटी देखी थी यार, इसी के अंदर ही। तो ये बड़े वाले ले लो ना, उससे बड़े वाले लेनी पड़ेगी। तोड़ो इसको, तोड़ो ही, तो तोड़ो इसके अंदर ही, ऐसे ऐसे रख के ऐसे पींच दो। अब ये सूख जाते हैं बड़े बड़े, पींच के बेलन लाओ, ठोको इससे, ठोको ऐसे पींच दो। वो वाली बात, अब सर्दियों में होती है, गर्मियों में नहीं होती वो वाली, तोड़ने से नहीं टूटते। ये देखो ये बाजरे के आटे का चूरमा भैरव बाबा का चढ़ाने के लिए तैयार किया है हसबैंड जी ने खुद अपने हाथों से, और ये मैंने उनको बना के दिया, क्या बोलते हैं इसको, कीचड़ा समझ लेते हैं, कीचड़ा थोड़ी ना, ये तो खाली गेहूं है वाला, इसको गेहूं वाले बोल ले, कुछ और बोला था आपने कॉल पे, तो गाँव वाली बात समय तो कहते हैं समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैंने बोला नहीं। अच्छा समझ में आ गई, अच्छा इसलिए मैं वो उस हिसाब से बता रहा था। अच्छा ये देखिए ये गेहूं है, गेहूं को ना सिर्फ पानी में उबाला है, और गांव की भाषा में इसको बाखले बोलते हैं, और वैसे इसको खिचड़ा, आप खिचड़ा बोल सकते हैं, वैसे इसके अंदर ना दाल मिक्स नहीं की। और ये देखो हसबैंड जी ने कर लिया है चूरमा तैयार, ये ना अभी लेके जा रहे हैं हम भैरव बाबा के मंदिर जा रहे हैं ना, इसलिए भैरव बाबा का ये प्रसाद तैयार किया है।
फेशियल चेंज नहीं की तूने? नहीं मम्मी, आपका मेकअप खराब हो जाएगा पसीने से। कोई बात नहीं, आपने वैसे भी की है क्या? एक लिपस्टिक ही तो लगाई है। तो फिर रात को किसको दिखाना है? ये लो, तैयार कर लिया मैंने। ले थोड़ा पीछे तो अखबार लगाओ ना उसके ऊपर, एक बार पढ़ा ना अखबार के ऊपर। अखबार रखे इस पे रख दो तो ऐसे लोगे कि ऐसे ले लो। ये लो, इसकी ना प्रसाद लेनी है रास्ते में, ठीक है ना? हसबैंड जी का जिद्रा होने लग गया ना, जी घबराने लग गया ना आपका, इसलिए रास्ते में रुके हैं एक बार शॉप पे। यहाँ से कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। सर्द की वजह से गर्मी है, हाथ लगे सर्द पे, हाथ लगा गर्म सा हो रहा है, नहीं लग रहा है। वो टी शर्ट पहन के आ जाए करो ना, अगर आपको ये शर्ट गर्म लगता है तो टी शर्ट पहननी चाहिए थी आपको। लवर पहन लेते, लवर पहन के आ जाते हैं। ये थोड़ी सी पुनीस ने ले ली अपने पापा से। अरे ये खाली मैं पी के क्या करूँ, जाम लग गया कितना सारा है ना। जा सोया क्यों है, स्मेल आ रही है यहाँ पे, कितना कचरा है ये देखो। ये मार्केट है ना, बड़ी मार्केट है मेरे, इसलिए सारा कचरा यहाँ पे है। गायें बैठी है कचरे के अंदर। बंद हो गई, कुछ दुकानें तो खुली हैं। कोटम से बैरूत चलना था, कोटम से बैरूत बाबा के चले, इतनी रात को सुबह जल्दी उठ के चलना था। अभी तो नहीं जाएंगे, देखते हैं बाबा कब बुलाते हैं तब जाएंगे। अच्छा गाड़ी आपके पास है? गेट बंद हो गया, गाड़ी आएगी है ना, ट्रेन आने वाली है। वेट करो, वेट खड़ा रहना पड़ेगा इधर ही। गाड़ी घुमा ली पापा ने, रास्ता चेंज कर लिया बड़ा बाजार के अंदर से होके। यहाँ पे मिर्ची बहुत है, यहाँ पे मिर्च है, नाक में मिर्च चढ़ जाती है। इधर मुख मुछ लटक गई उसके, इसके वो लिफाफे पड़े थे, पापा ने इसके ऊपर गाड़ी चलाई, वो लिफाफे की पूंछ बन गई गाड़ी के साथ। रह गया कि अभी भी लटक रहे हैं? वो तो वही रह गया, थोड़ा सा बस चला था वो। यहाँ पे लाइटिंग है अच्छी, बड़े बाजार में तो लाइटिंग ही नहीं थी। ये कौन सी रोड है? रोड है पुरानी गजनेर रोड। आ गए हैं घर के अंदर, ये देखिए 10 बज गए हैं, 10 बजे आए हैं, 10 बजने में 7-8 मिनट कम है। भाई आँख फड़कने लग गई फिर से। ठीक है तो ये बढ़िया बात नहीं है, प्यास लग गई मुझे, गई थी ना तब पानी पी, तब पानी पी के गई थी, गला पूरा सूख गया मेरा अब तक का। ये पूरा लोटा पी जाऊंगी मैं पानी, इतनी प्यासी हूँ मैं। है अवनीश, इतनी प्यासी हूँ, पूरा लोटा पानी पी जाऊंगी मैं। तू पैर से गिराना मत इसको, मैं ड्रेस चेंज कर लूं पहले। वो आपने रास्ते में पिया था, उससे कुछ हुआ नहीं क्या आपका? तभी तो मैं घर पे पड़ी है उसी का पी रहा हूँ, वो तो ठंडा नहीं था ना, इतना गर्म था वो। अच्छा देखो रात के 11:15 हो गए हैं, ये देखो भुनेश हो गया। आज का मैंने अपना वीडियो ना रात को ही एडिट कर लिया, मेरा पूरा वीडियो रात को देखे 11:15 हो गए और मेरा पूरा वीडियो रात का एडिट हो गया, क्योंकि कल सुबह मैं ना कंजक बैठाऊंगी घर में और कंजक को मैं खाना खिलाऊंगी, तो इसलिए कल को मुझे ना पूरा दिन मुझे टाइम नहीं मिलेगा वीडियो एडिट करने का। मैंने इसको ना रात को ही एडिट कर लिया और फिर कल ना आराम से पोस्ट हो जाएगा। आज का वीडियो करती हूँ मैं यहीं पे समाप्त। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये व्लॉग जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। मिलते हैं कल आपको एक नए व्लॉग के साथ।